निशा रावल हुई सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल। वेल, क्या है बुरी खबर, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवन, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, निशा रावल हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुई हैं। दरअसल किस बात को लेकर, किस वजह से, तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब से करण मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद से यूजर्स जो है सोशल मीडिया पर निशा रावल को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल निशा रावल ने कुछ पोस्ट ऐसा किया है जिसके बाद से यूजर्स का कहना है कि इन्हें इनकी हरकतों की वजह से जो है जेल में घट्टी जो है वो पीसनी होंगी, और जहां पर यूजर्स का कहना है कि ये सलाखों के पीछे ही जाना चाहिए। बल यहाँ पर निशा रावल ने जो पोस्ट किया है वो है टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। तो इस तरीके से जो है इन्होंने पोस्ट किया है, लेकिन इसके बाद में यूजर्स जो हैं वो ट्रोल करना शुरू कर दिया है निशा रावल को। दरअसल मैं आपको बता दूं कि निशा रावल और करण मेहरा के बीच में कुछ भी चीजें जो है वो सही नहीं चल रही, हाल फिलहाल डिवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन निशा रावल ने जहां पहले करण मेहरा पर कई सारे इल्जाम लगाए थे, इवन उनके फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस और हेरासमेंट के इल्जाम जो है वो लगाए थे, जिसके बाद में करण मेहरा ने पूरे सबूत इकट्ठे करके और सारे जो यू नो निशा रावल ने जो इल्जाम लगाए थे उन्हें झूठा साबित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके बाद में बहुत जल्द अब कोर्ट में सुनवाई भी है। तो हाल फिलहाल निशा रावल के ऊपर कहीं ना कहीं मुसीबत की तलवार जो है वो लटकी हुई है। वेल, हाल फिलहाल ऐसे में उन्होंने जब ये पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो यूजर्स ने उनकी यू नो उनकी क्लास लगा दी, जहां पर यू नो कई ज्यादा जो है उन्हें ट्रोल किया गया। क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।